और नवरात्रि के समय में मुझे लगा जी अब इससे बेहतर कोई फेस्टिवल नहीं हो सकती है, और ख़ास करके बंगाल के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होता है। तो मुझे लगा जी बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामना भी दे देंगे और कम से कम अपने गाने को लॉन्चिंग या दुनिया को बनाते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि शांति से दसवीं के दिन आप लोग रावण को हमें जलाना है, लेकिन उसमें भी शांतिपूर्वक सिर्फ रावण जलना चाहिए, उसमें ऐसा ना हो कि राज्य जल जाए, किसी का दुकान जल जाए, क्योंकि लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि शांति से सिर्फ रावण को जलाना है, बुराइयों को जलाना है, और रावण के अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को भी जलाने की कोशिश की जाए, और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि उन बुराइयों को जलाएं, बल्कि ऐसा ना हो कि उसमें किसी का घर जल जाए और किसी की आत्मा जल जाए। और आने वाले दिन में आपको क्या क्या सोच है, बंगाल में और भी जुड़ना है आपको? नहीं, बंगाल में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ, बहुत सारे हीरोइनों के साथ मैंने बंगाल की, कई सारी लड़कियों के साथ मैंने काम किया, एज ए लीड हीरोइन के साथ मैंने काम किया। तो प्यारे लोग होते हैं, और मुझे बंगाल में और भोजपुरी में ज़्यादा कुछ सिमिलर, मैंने बहुत सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं नज़र आता है। हम भी भात बोलते हैं, आप लोग भी भाते बोलते हो, आजकल हम लोग चावल बोलने लगे हैं, लेकिन आज भी बंगाल में लोग भात ही बोलते हैं चावल को, और हम पहले अपने बचपन में जब हम गाँव पे थे तो भात ही बोलते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा बंगाल का भाषा और भोजपुरी का भाषा बहुत मिलता जुलता है, और हमारा मुझे लगता है कि बिहार के सबसे ज़्यादा लोग बंगाल में, क्योंकि नज़दीक भी है, और मेरे गांव के तो मुझे लगता है कि 99% लोग यहीं हैं बंगाल में, तो एक परिवार जैसा लगता है। और बंगाल में मैं बहुत कार्यक्रम भी किया हूँ, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनसे मिलता हूँ और घर पे जाता हूँ तो मुझे अपनापन ही फील होता है। दो लाइन सुना दीजिए दर्शकों को। निबंध तीन दिन तोरे बाड़ी को बेलम देखम पेलम न बंदी तीन दिन, इतना ही जाता है मुझे। ये गाना के पहले सुने थे आप? हाँ, पहले मैं 12-14 साल का था, तो उस समय मैं रामायण महाभारत गाता था, तो उस समय हम लोग को यही गाना जो है ना बहुत फेमस था उस समय, तो मुझे लगता है काफी पहले से ही फेमस गाना है, तो मेरे जहन में था। तो मैं एक दिन गा रहा था तो बद्री जी ने बोला कि यार ये मेरे ही कंपनी का गाना है, तो इसको थोड़ा सा कोलैबोरेशन करिए आप। मैंने ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो करते हैं। तो हमने कोशिश की और आज देखिए नंबर आज ट्रेंडिंग में हर जगह है, म्यूजिक सेक्शन में भी है, मेन ट्रेंडिंग में भी है, इसका टीजर भी ट्रेंडिंग में था, इसका मोशन पोस्टर भी ट्रेंडिंग में। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का प्यार है, और बंगाल बड़ी प्यारी भाषा है, बंगाल की भी बड़ी प्यारी भाषा है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, थोड़ा लाउड होते हैं बट प्यारे होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की है, और बंगाल का कितना प्यार मिल रहा है अब आप लोग को बताना है कि इस गाने को और ऊपर ले जाना है, ताकि ये आपका भाषा किसी भी लैंग्वेज में आए, किसी भी लैंग्वेज का कलाकार अगर गाए तो इसको बड़ा करना आपका कर्तव्य हो जाता है। बंगाल में क्यों लॉन्च किया ये गाना? बंगाल में क्यों लॉन्च किया? लॉन्च तो हो चुका था यूट्यूब पर, बंगाल में लॉन्च नहीं किया मैं। लॉन्चिंग हमने पार्टी रखी, सिर्फ आप सबसे मिलने का उद्देश्य था, और हमने इस कल्चर को उठाया था, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हक आप सबका है इस गाने पे। तो मैं चाहा कि आप सबके बीच में इसको मुहूर्त किया जाए और आप सबके बीच में इसको उजागर किया जाए। ये कितना मुझे लगता है कि जो पुराने गाने हैं, ये गाना इसका वर्जन जो है अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ, अभी जितना हुआ है आप लोगों के फीवर हुए हैं उससे बहुत बड़ा गाना होने वाला है, क्योंकि मेरा जो भी गाना सारे गा माता है 100 मिलियन से नीचे कोई गाना नहीं। तो मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्यार इसको दीजिए ताकि ये गाना 1 बिलियन हो जाए, और बहुत थैंक यू। थैंक यू। आइए छठ पूजा में, चलिए मैं छठ पूजा जब आएगा तब हम बोलेंगे ना। नहीं नहीं, दो लाइन गा दीजिए। ये कहते हैं पूजा में अभी दसवीं बीतने वाला है, गा देता छठ पूजा जो अभी माँ अभी दुर्गा का दिन है ना, तो हम दुर्गा पूजा में हैं, और आप दुर्गा पूजा अभी मनाइए, फिर हम एक दूसरे से दोनों भाई मिलेंगे, उसके बाद छठ का बात। नहीं, बंगाल का जो इधर है वो बिहार में आने के लिए आप बोलिए ना, छठ पूजा में बिहार में आइए। दो बंगाल के लोगों को बोल दो कि बिहार चले जाइए, बोलिए जो आने के लिए छठ पूजा। बंगाल के लोग हैं, प्लीज बिहार चले जाइए छठ पूजा में, गाल लगा के बोलिए। नहीं, जैसे जो भी बिहार के लोग यहाँ हैं उनसे एक अपील कर दीजिए कि अपने घर जरूर जाएं, इनका कहना है। अच्छा, हाँ, तो भाई जितने भी हमारे बंगाल में हैं लोग, हमारे देखिए यार बंगाल में भी छठ बहुत प्यारा होता है, तो जो जहाँ है जिसकी जो व्यस्तता हो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपकी माँ अकेली है, आपकी वाइफ अकेली है, तो प्लीज आप जरूर अपने घर को जाइए, छठ पूजा वहाँ मनाइए, और जिनका फैमिली यहाँ है कोशिश करें कि आप यहीं मनाइए, क्योंकि बड़ी शांति जगह है, और बंगाल और बिहार में कोई ज़्यादा दोनों बीच से शुरू होता है,
तो कहीं ना कहीं हम दोनों भाई की तरह हैं और हम भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम सबका प्यार होना चाहिए। और छठी माता के लिए ढेर सारी शुभकामना, छठी मैया सबको बरकत दे, माँ दुर्गे सबको तरक्की दे, मेरी शुभकामना।